प्राइजिंग नेचर ऑफ सिक्योरिटीज लोकेशन और कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस बताइए so, अब हम देखेंगे यहां पे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है सो so, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग्स तो so, सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो आएगी बेसिस फिर आएगी यहाँ पे प्राइमरी मार्केट आएगी यहां पे सेकेंडरी मार्केट सो जो सबसे पहला बेसिस है वो है प्राइजिंग सो so, यहां पे प्राइजिंग के बेस पे हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है सो so, so अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट की तो प्राइमरी मार्केट में प्राइजेस Of securities are fixed by the management of the कंपनी और सेकेंडरी मार्केट के केस में देखें तो प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स सो अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट की तो यहां पे क्या होता है प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सो जो सिक्योरिटीज की प्राइजेज होती है प्राइमरी मार्केट केस में उनको कौन फिक्स करता है उनको फिक्स करता है जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है और सेकेंडरी मार्केट के केस में क्या होता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स सो अगर सेकेंडरी मार्केट के केस में देखें तो यहां पे जो सिक्योरिटीज की प्राइजेज होती है वो कैसे फिक्स की जाती है वो स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है उसमें क्या किया जाता है उसमें जो डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे जो सिक्योरिटीज की प्राइजेस होती है उनको फिक्स की जाती है सो सो स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है यहाँ पे जो बिग फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं वो यहाँ पे फंड्स की डिमांड करती हैं और जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो फंड्स की सप्लाई करते हैं सो सो जो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इंटरक्शन होता है उसी के कारण क्या होता है उसी के कारण यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती है उनकी प्राइजेस फिक्स होती है सो so, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से प्राइजेस फिक्स हो रही है। और यहां पे क्या कर रहा है यहां पे कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा प्राइजेस फिक्स हो रही है सो so, ये है प्राइजिंग के बीच पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस अब देखेंगे हम यहाँ पे नेचर ऑफ सिक्योरिटीज सो नेचर ऑफ जो दूसरा बेसिस है वो है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज सो नेचर ऑफ सिक्योरिटीज की अगर बेस पे हम यहां पे देखें तो देयर इज सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज और सेकेंडरी मार्केट के केस में देखें तो इट इज द मार्केट ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज सो so, अगर नेचर ऑफ सिक्योरिटीज के बेस पे देखें तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज यहां पे जो नई होती हैं उनको क्या किया जाता है उनको सेल किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट के केस में क्या होता है इट इज द मार्केट ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यहां ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मार्केट होता है सो so, सो so अगर हम बात करें कि सिक्योरिटीज के नेचर के बेसिस पे तो जो प्राइमरी मार्केट होता है वहां पे क्या होता है वहां पे न्यू सिक्योरिटीज होती हैं और सेकेंडरी मार्केट के केस में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं सो so, ये है यहाँ पे सिक्योरिटीज के नेचर के बेस पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस अब यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड बेसिस है वो है लोकेशन तो यहां पे हम क्या करेंगे लोकेशन के बेस पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो अगर हम बात करें यहां पे प्राइमरी मार्केट की सो so, यहां पे क्या है यहां पे नो फिक्स्ड लोकेशन और सेकेंडरी मार्केट के केस में देखे तो यह इसकी क्या होती है फिक्स्ड लोकेशन सो so, प्राइमरी मार्केट की अब बात करें तो इसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती है ये कहीं पे भी क्या कर सकते हैं कहीं पे भी प्राइवेट जो प्राइमरी मार्केट होता है वो कहीं भी हो सकता है वहां पे पे इसके लिए कहीं पे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी जो प्लेसेस है या इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स है कि प्राइमरी मार्केट यहीं पे ही होगा बट सेकेंडरी मार्केट के केस में ऐसा होता है वहां पे जो लोकेशन होती है वो क्या होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट कहाँ पे होता है सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है सो so, अगर हम बात करें कि इंडिया की जो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है NSE, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो वो कहां पे? है? वो मुंबई में है तो मुंबई क्या हो गई मुंबई यहाँ पे फिक्स्ड लोकेशन हो गई सो so, यहां पे सेकेंडरी मार्केट केस में फिक्स्ड लोकेशन होती है और प्राइमरी मार्केट के केस में कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है सो so, ये है लोकेशन के बेस पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस अब हम देखेंगे यहां पे कैपिटल फॉर्मेशन के बीच बेसिस पे डिफरेंस तो जो लास्ट यहां पे हमें हेडिंग है वो है कैपिटल फॉर्मेशन सो अगर हम यहां पे बात करें प्राइमरी मार्केट में तो यहां पे क्या होता है यहां पे डायरेक्टली क्या हो रही है कैपिटल फॉर्मेशन होती है और सेकेंडरी मार्केट की केस में बात करें तो यहां पे क्या होती है यहां पे इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होती है सो so, डायरेक्टली so कैसे होती है प्राइमरी मार्केट में सो प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन सो जो प्राइमरी मार्केट होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्टली क्या करता है कॉन्ट्रीब्यूट करता है सो so, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड करके और लिख सकते हैं ताकि हमें और क्लियरली समझ में आए तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज में कैपिटल फॉर्मेशन में सो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन और इधर पे अगर देखें तो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन सो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करता है प्राइमरी मार्केट में सो सो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज गोज़ डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स एंड यूटिलाइजेस दीज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ईटीसी सो इसमें क्या होता है इसमें जो इसमें जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली चली जाती है इन्वेस्टर्स के पास और जो इन्वेस्टर का फंड होता है उसको क्या करती है, उसका करती है ये किस चीज में बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट में प्लांट की इन्वेस्टमेंट में या फिर मशीनरी की इन्वेस्टमेंट में तो so, इसके कारण यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली होता है बट सेकेंडरी मार्केट के केस में क्या होता है सेकेंडरी मार्केट के केस में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल फॉर्मेशन में क्योंकि इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इश्यूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती है वो डायरेक्टली कंपनी से इन्वेस्टर्स को इश्यू नहीं की जा की जाती है द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू द अदर इन्वेस्टर्स सो यहाँ पे क्या किया जा रहा है यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसके द्वारा ही दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज सेल की जा रही है इन्वेस्टर इज इन नीड ऑफ कैश एन एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू बाई दी कड नॉट गेट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक इन्वेस्टर है उसको क्या है उसको कैश की जरूरत है और जो दूसरा इन्वेस्टर है उसको क्या है उसको यहाँ पे शेयर्स खरीदने हैं लेकिन वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा वो यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट में दोनों इन्वेस्टर मिलेंगे और सिक्योरिटीज को क्या करेंगे यहां पे जो सिक्योरिटीज होगी उसके एक्सचेंज में क्या कर देंगे कैश प्रोवाइड कर देंगे और ये सब किसके द्वारा करेंगे ये सब ब्रोकर के द्वारा करेंगे तो जिस इन्वेस्टर को कैश चाहिए था उसको कैश मिल जाएगा और जिसको सिक्योरिटीज खरीदनी थी उसको सिक्योरिटीज मिल जाएंगे सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है यहां पे इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है सो so, ये है कैपिटल फॉर्मेशन के बेस पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस सो so, यहाँ पे जो भी हमें बेसिस दिए गए थे उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे डिफरेंसिस हैं सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिविन क्वेश्चन क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर हो सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर